सर, हम तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि हमारे लिए कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जाए, आने जाने के लिए सुविधाएं दी जाए, जैसे पहले सरकार ने कही थी। आप ही बताइए मुझे, 140 करोड़ की यहाँ पे जनसंख्या है, क्या हम रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को ही मानेंगे? इतना करने के बाद भी अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये कैसी नई शिक्षा नीति है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ परमानंद जग। लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है यहाँ पे, आइए उनसे हम चर्चा करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वे लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे। जी बताएं, किन मुद्दों को लेकर आप लोकसभा में अपना मतदान करेंगे? देखिए, हम तो लोकसभा में, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और बात है कि मतदान की, तो मैं चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से, देखिए वो किसी एक दल के नहीं, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, तो वो युवाओं के प्रति और बेरोजगारी के प्रति ज़्यादा ध्यान दें। चलो धर्म के प्रति कर रहे हैं, धर्म अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन धर्म में राजनीति ला करके युवाओं का शोषण करना, यह चीज़ गलत है, यह सही नहीं है। और इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने कहा था गंगा जल लेकर हाथ में कि हम दारू बंद करेंगे, और मैं यही चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि सेंट्रल में भी और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये जल्द से जल्द शराब की बंदी करे। नहीं बोले ऐसे बात नहीं, दारू से घर बर्बाद होता है, लोग तबाह होते हैं, उसको बंद किया जाए। कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वो बहुत बड़ी, मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस से हूँ तो उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की जो बंद नहीं कर पाई। लेकिन अभी तो इनकी सरकार बनी है, सलाह देने की बात नहीं है, अभी आपकी सरकार बनी है, आप दारू और शराब बंदी बंद करिए, युवाओं को रोजगार दीजिए और झूठा आश्वासन मत दीजिए और धर्म की राजनीति मत करिए। लोगों को धर्म सबको आता है, सब अपने धर्म के प्रति जागरूक है, सब अपने जात के लोग अपना धर्म जानते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई झगड़ा बंद करके भारत सरकार भारत को इतनी ऊँचाइयों पर ले जाए, बस यही कहना चाहूँगा। जी झूठा आश्वासन ना दें। जी, झूठा आश्वासन की बात जो कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पे कर रहे हैं, मैं बता दूं कि 5 साल पूरे छत्तीसगढ़ के जनता को इन्होंने ठगा है झूठ की आड़ में। मैं इन्होंने दारू की बात कर दी, मैं दारू की बात में बताता हूँ कि इनके जो विधायक है, इनके जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, 200 करोड़ की घोटाला किए, इनकी घोषणा पत्र में था 36 वादों में से एक वादा दारू भट्टी बंद करने के था, इनने क्यों नहीं, इनके पास तो मुख्यमंत्री का ताकत था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं किए इनको, कांग्रेस गवर्नमेंट को दारू भट्टी बंद करनी। दूसरी, इन्होंने धर्म की बात की, भारत जो है सनातन धर्म है, सनातन धर्म का अर्थ होता है वो किसी धर्म के साथ भेदभाव करके नहीं, समान रूप से लेकर के चलने वाला धर्म होता है। इन्होंने एक बात ये भी कही कि धार्मिक भावनाओं का, इन्होंने हमेशा, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो धार्मिक भावनाओं के, देश के धार्मिक भावनाओं को भटकाने का प्रयास करते हैं। आज देख लीजिए, जो राम मंदिर बन रहे हैं उनके आमंत्रण ठुकरा रहे हैं, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये चेहरा दिखता है कि देश के लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। अगर आस्था इनकी होती सनातन धर्म पे तो उनको आमंत्रण गया था, आमंत्रण ठुकराना नहीं था। ये देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, 70 साल तक इन्होंने देश को तोड़ा है और 5 साल में, 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको आईना दिखा दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता 500 में बिकने वाली नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता 500 में बिकने वाली नहीं है। उन्होंने यहाँ दिखा दिया, आईना दिखा दिया कि यहाँ का लूट लूस खसोर की सरकार को दूरदृष्टा दिखा दिया और भारतीय जनता का सुशासन यहाँ पर व्यवस्थित किया, ये भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर दिया। झूठी सरकार। जी जी, आप लोग युवा हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, क्या समस्या है आप लोग, किस मत को लेकर आप मतदान करेंगे? सर, हम तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि हमारे लिए कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जाए, आने जाने के लिए सुविधाएं दी जाए, जैसे पहले सरकार ने कही थी कि एक फॉर्म भराया था जिसमें बस की फ्री सुविधाएं होगी, वो अभी तक हुआ नहीं है फॉर्म भरे। उसके बाद सर, ऐसा रहता है कि जो मिडिल क्लास से रहते हैं, जिनके पास पढ़ाई के लिए ना साधन होता है ना कुछ नहीं, वो बस सीमित पढ़ाई तक ही रह जाते हैं, तो बस सरकार को ऐसी उन पर कुछ फाइनेंशियल कुछ सुविधा, ऐसे बोला जाता है कि एजुकेशन लोन तो ले लेंगे पर उसे चुकाएंगे कैसे, क्या वो फ्री में तो नहीं मिलता है, क्या फ्री में थोड़ी ना दे पाएंगे सरकार। तो बस यही है कि विद्यार्थियों के लिए उनके घर तरफ से सपोर्ट मिलने के लिए भी उनको भी कुछ चाहिए होता है, और लोग बोलते हैं कि नौकरी मिलेंगी, कब मिलेगा आखिर। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, क्या सोचते हैं, किस तरह नज़र देखते हैं? नया शिक्षा नीति तो ठीक है सर, पर शिक्षा नीति बदल देने से, नया उन पर प्रावधान करने से क्या कुछ हो पाएगा? जब तक रोजगार नहीं मिल पाएगा तब तक ऐसी शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं है। आप क्या सोचती हैं? मेरा ये कहना है कि हमको शिक्षा नीति तो दी जा रही है और उसको जो विद्यार्थी हैं वो ग्रहण भी कर रहे हैं, तो इतना करने के बाद भी अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये कैसी नई शिक्षा नीति है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है
कि नई शिक्षा नीति के साथ साथ हमें रोजगार भी दिया जाए। और ऐसा भी है कि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी तो मिडिल क्लास फैमिली के रहते हैं, क्योंकि आने जाने में जो सुविधा है उसमें बहुत पैसा खर्च होता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग कर नहीं सकते। तो मेरा ना यही कहना है कि जो आने जाने का जो आवागमन की सुविधा का बात है तो उसमें हमको सुविधा दी जाए। पहले की सरकार बेरोजगारी भत्ता तो दे रही थी, क्या कहेंगे? ये जो नियम बनाए हैं बेरोजगारी भत्ता में कि जो पहले 3 साल पहले की है उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इसे परिचित नहीं था, उसको पता नहीं था कि बेरोजगारी भत्ता होता क्या है, वो नहीं जानते थे। पर अभी जिसको पता चल रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए ये टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए कि 3 साल बाद आपको मिलेगा। हम बेरोजगारी भत्ता भर रहे हैं तो हमको उसका लाभ जिस साल भर रहे हैं वही साल मिले, ये मेरा कहना है। जी जी, स्टार्टअप ये स्टार्टअप योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? स्टार्टअप योजना, सबसे पहले तो जो लोकसभा हमारा मुद्दा होता है तो उस पर हम वृहद मुद्दे पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन आपने स्टार्टअप बोला है तो मैं मोदी जी की कुछ योजनाएं बता देता हूँ आपको। आपका ये उद्योगों के लिए MSME के तहत स्फूर्ति योजना उन्होंने दिया, उसके साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत आप देखेंगे कि डिफेंस में अगर हम जाते हैं, जो पहले हम आयात करते थे, भारत पूरा डिफेंस, आज देखते हैं कि हम निर्यात कर रहे हैं। ये लखनऊ में भी एक देखे होंगे आपने, डिफेंस एक्सपो लगा था जिसमें पूरे विश्व के देश आए थे और हमारा निर्यात कम से कम बूम हुआ 100 से 200%। हमारा एयरक्राफ्ट पहले हम मंगवाया करते थे बाहर से, आज हम एयरक्राफ्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। तो क्या यह डेवलपमेंट नहीं है? हम जब वृहद स्तर पर बात करते हैं तो नौकरी, हाँ मानते हैं बेरोजगारी यहाँ पे थोड़े से मुद्दे हैं, लेकिन क्या आप ही बताइए मुझे, 140 करोड़ की यहाँ पे जनसंख्या है, क्या हम रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को ही मानेंगे? नहीं ना, हमें भी तो अपने स्तर पे अपना स्किल ऐसा डेवलप करना पड़ेगा, उद्योगों में जाना पड़ेगा, स्वस्फूर्ति जो भी हम कर सकते हैं अपने से, जब तक के नहीं हो रहा। और मैं कहते हैं आग्रह करना चाहता हूँ युवाओं से भी कि अपनी मानसिकता जो है संकुचित ना करके वृहद रखें, क्योंकि छोटी मोटी नौकरियाँ करना हमारा जो ताकत है उसको हम भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हमें मोदी जी की जितनी योजनाएं आई हैं, अगर नहीं भी आई हैं, आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाएं तो आपके अंदर इतनी ताकत है, विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य नहीं मिल पाता, तो हमें भी आज वो क्या बोलते हैं उसको चरितार्थ करने का। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, क्या ये शब्द ही बड़ा लगता है, क्योंकि बेरोजगारी जहाँ शब्द छपता है तो वाकई में बड़ा शब्द लगता है, पर ऐसा कहीं नहीं है। आदमी अपने आप को बचाव करने के लिए ये बोलना आसान लगता है कि बेरोजगारी बढ़ा है, युवा भटक रहे हैं, ये कहना आसान लगता है, पर ऐसा कहीं नहीं है। जो आदमी ईमानदारी से पढ़ेगा, जीवन को गढ़ेगा तो निश्चित बढ़ेगा, उसमें अपने पैर में खड़े अपने कई हुनर है। और मैं सोचता हूँ मोदी जी के आने के बाद बिल्कुल कहीं नहीं है, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं अपने पैर में खड़े होने के लिए उन्हें बार बार फ्री में उनको सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें लोन भी दे रहे हैं कि अपने पैर में खर्चा खड़ा होना, 2 लाख का लोन, मुद्रा लोन, अनेक योजना। मैं बता रहा प्रधानमंत्री पहला बार देखा हूँ जो युवाओं के लिए नहीं, सबके लिए, सबके हित के लिए अलग अलग तरीका से। आज वाकई में भारत विकसित भारत क्यों बोलते हैं कि आज वाकई में विकसित विकासशील भारत इसलिए है क्योंकि आज हमको कहीं बाहर से मंगाना नहीं पड़ा है, हमारे देश में खुद पैदा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा आह्वान करता है लाल किला से, भाई देखो आप अपने खुद पैदा करो, उत्पादन खरीदेंगे हम, हमारे देश में होना चाहिए। ये मोदी जी जो बार बार बोलता है सबके हित के लिए, इसके बोलने का उद्देश्य लाजिक होता है कि हम किसी भी देश के लिए, किसी भी देश को हम मांगे ना, हम स्वयं दें। और हमारे युवा जो है, ये देश के तरुणाई जो है, ये आगे बढ़े, इसके लिए 50 प्रकार की योजना निकालते, सिर्फ योजना को जानना जरूरी है। जब तक योजना का आप नहीं जानोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओ, इसलिए योजना को जानना चाहिए। और अपने पैर में खड़े होने के लिए अनेक प्रकार के, मैं बता दूँ पहला प्रधानमंत्री देखा हूँ जो गरीब से गरीब आदमी 5 करोड़ चिंता करते, जीवन भर उसको चिंता करता है, नौजवानों के लिए चिंता करता है, बेरोजगारों के लिए चिंता करता है, अनेक बेरोजगारी बेरोजगारों के लिए काम निकालने। पर अपने को वहाँ तक जानना जरूरी है, समझना जरूरी कि हमको फायदा किस में मिलेगा, किस लाइन में जाना है, ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं बढ़ सकते। रामलला बड़ा मुद्दा है, धर्म एक पे राजनीति होनी चाहिए? धर्म पे राजनीति कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया, धर्म पे राजनीति कांग्रेस हमेशा और शुरू से ही धर्म पे राजनीति करती है और तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जो कि बहुत बड़े वकील है, उन्होंने ही भगवान राम के प्रतिष्ठा पे सवाल उठाया था और कहा था कि भगवान राम है ही नहीं। आज पूरे देश, पूरे विश्व में
रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही 22 जनवरी को, जो जिसमें हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि रामलला उस दिन अपने तंबू से, जो कि कितने सालों तक तंबू में विराजमान थे हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम, वो अपने मंदिर में जाएंगे। और बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है पूरे भारत देश के लिए कि भगवान राम, देश विदेश के लोग भी इसके साक्षी बनेंगे, इसके गवाह बनेंगे। 70 देशों के राजदूत इसमें शिरकत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश पूरे विश्व में राममय का माहौल बना दिया गया है। और क्यों नहीं बने भाई, रामलला आज का मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? ये पूरी तुष्टिकरण की राजनीति के पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या मुद्दा हावी होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा में मुद्दा यही रहेगा कि एक तरफ मोदी जी का विकास की सोच और दूसरी तरफ कांग्रेस की तुष्टिकरण की सोच। जनता को तय करना है कि विकास से ही की तुष्टिकरण चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को ही यहाँ के लोगों ने लोकसभा का मुद्दा बताया है। राजनांदगांव से परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक।